नमस्कार, मैं साक्षी एम एस नजला में आप सब दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं बॉलीवुड की कुछ खास खबरें। तीसरी बार पापा बनने वाले हैं अर्जुन रामपाल। एक्स वाइफ मेहर ने कुछ इस तरह किया रिएक्ट। अर्जुन रामपाल गैब्रियला के साथ अपने रिश्ते को लेकर आए दिन सुर्खियों में रहते हैं। पहले अर्जुन अपनी पर्सनल जिंदगी से जुड़े सवालों को जवाब देने से बचते थे। हाल फिलहाल में ही उन्होंने गैब्रियला की लेटेस्ट तस्वीर को साझा करने के साथ ही जानकारी दी कि वह तीसरी बार पिता बनने वाले हैं। अर्जुन को पहली पत्नी मेहर जेसिया से दो बेटियां मायरा और महिका है और मेहर से अलगाव के बाद गैब्रियला से उनका नाम जुड़ता रहा। खैर, जब अर्जुन ने गैब्रियला की प्रेगनेंसी की खबर को साझा किया तो फैंस को एक तरह से झटका ही लग गया। दरअसल अर्जुन ने गैब्रियला की प्रेगनेंसी की खबर को 6 महीने तक छुपाए रखा। हैरानी करने वाली बात तो यह है कि इस खबर से अर्जुन के करीबी भी वाकिफ नहीं थे और लिस्ट में मेहर का नाम भी शामिल है। वैसे जब मेहर को इस खबर का पता चला तो उन्होंने इसे काफी स्पॉटिंगली तरीके से लिया है। मेहर की करीबियों का कहना है कि वह ऐसी खबरों से प्रभावित नहीं होती है, वह सिर्फ अपने बेटियों की परवरिश अच्छे से करना चाहती है। शाहरुख, आमिर, सलमान की सीक्रेट मीटिंग किस तैयारी में खान सितारे। बॉलीवुड के तीनों खान आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान की आपस में मजबूती दोस्ती से सभी वाकिफ है। तीनों स्टार्स जब भी साथ में आते हैं लोगों की भीड़ उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो जाती है। सोशल मीडिया पर तीनों की तस्वीरें ट्रेंड करने लगी है। खबर है कि हाल ही में आमिर खान, सलमान खान और शाहरुख खान ने एक सीक्रेट मीटिंग की जो कि किंग खान के बांद्रा स्थित घर पर रखी गई थी। तीनों खान स्टार्स की ये मीटिंग मीडिया से बचकर रखी गई। जानकारी के अनुसार तीनों एक्टर्स के बीच उनके करियर को लेकर बातचीत हुई। उनकी ये मुलाकात शाम के वक्त हुई जो कि रात 8 बजे तक चली थी। कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि मुलाकात के पीछे का कारण किसी प्रोजेक्ट में तीनों खान का साथ आना भी हो सकता है। हालांकि यह पूरी तरह से साफ नहीं हो पा रहा है कि मीटिंग में दरअसल हुआ क्या, लेकिन चर्चाओं की माने तो तीनों भविष्य के प्रोजेक्ट को लेकर ही एक दूसरे से बातचीत करने में जुटे हुए थे। तो एमएनएस न्यूज़ लाइव की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।